यह विवाह भी ईश्वर की ओर से रखा गया है। People say marriage are made in heaven. बहुत से लोग ये मानते हैं, कहते हैं कि विवाह की स्थापना स्वर्ग में होती है। Okay, well, few seconds I will buy that statement. और कुछ समय के लिए मैं मान लेता हूं कि ऐसा होता है। But listen to me. लेकिन आप ध्यान से सुने। But marriage is maintained by the groom and the bride. लेकिन उस विवाह को बनाए रखने का कार्य दुल्हा और दुल्हन का होता है। It is your responsibility. यह आपकी जिम्मेदारी है। It is not the responsibility of the church. यह कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं। It's not the responsibility of the parents. यह पालकों की जिम्मेदारी नहीं। But it's your responsibility. यह आपकी जिम्मेदारी है। When you maintain God-given order for the marriage, your marriage will be successful. यदि आप ईश्वर के द्वारा दिया गया विवाह के लिए जो क्रम है आप उसे बनाकर रखते हैं, आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। Many thoughts are going through my mind. बहुत से विचार मेरे मन से होकर जा रहे हैं। I remember when I spoke for Dr. Stella's wedding. मुझे याद आता है जब डॉक्टर स्टेला के विवाह में मैंने प्रचार किया था। I have given seven commitment spouse has to make to each other. और सात समर्पण निर्णय के बारे में मैंने बताया था जो जीवन साथियों को एक दूसरे को देना है। When I performed Pastor Nikhil's wedding, और जब पास्टर निखिल का विवाह मैंने दिया, I gave seven ships of the marriage. और विवाह के संबंध में सात जहाजों के बारे में मैंने बताया। And this morning, और आज की सुबह, I'd like to be different. मैं थोड़ा अलग रीति से प्रचार करना चाहूंगा। This is the holy matrimony. यह एक पवित्र विवाह है। And according to book of Zephaniah, और ज़फ़रयाह नबी की पुस्तक के अनुसार, chapter three, तीसरे अध्याय के अनुसार, Almighty God is in your midst. पराक्रमी परमेश्वर आपके मध्य में है। I want everyone to forget about everything. मैं चाहूंगा आप सब कुछ कुछ पल के लिए भूल जाएं। We have gathered here to enjoy the presence of the Almighty God. हम यहाँ पर आए हैं कि पराक्रमी परमेश्वर की हुजूरी का आनंद उठाएं। If he is not in this marriage, यदि वह इस विवाह में नहीं है, if he is not in this ceremony, यदि वह इस उपलक्ष्य में नहीं है, all your efforts are in vain. आपके तमाम प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। So from the very start of this service, तो इस सभा की शुरुआत से ही, I want to imprint in your heart, मैं आपके दिलों में इस बात को लगा बैठा देना चाहता हूँ। I want to be engraved in your heart, आपके हृदयों में इस बात को मैं बैठा पराक्रमी परमेश्वर हमारे बीच पराक्रमी परमेश्वर हमारे It's not a celebration. यह एक मामूली उत्सव नहीं है। Without Jesus, यीशु के बिना, we are here to celebrate the wedding with Jesus for Saurabh and Anugrah. और सौरभ और अनुग्रह के यीशु के साथ उसकी हुजूरी में हम इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। It's not a funeral service. यह कोई मरण सभा नहीं है। But it's a joyful celebration. लेकिन यह आनंद का उत्सव है। But it's a joyful celebration. यह आनंद का उत्सव है। When heaven is putting two people together, जब स्वर्ग दो लोगों को एक ही सूत्र में बांध रहा है, two different minds, दो अलग अलग मनोभाव, two different nature, दो अलग अलग स्वभाव, two different tastes, दो अलग अलग स्वाद, everything is different, बिल्कुल अलग है, two different bringing up, दो अलग अलग प्रकार से पालन पोषण किए हुए लोग, and they will be bonding very soon, और बहुत ही शीघ्र वो एक बंधन में बन जाएंगे। I want to jump and shout because of this marriage. और इस विवाह के लिए मैं इतना आनंदित हूँ कि मैं नाचना चाहता हूँ। Because this marriage is telling you and I there is a bonding which is a fusion between bride and the groom. क्योंकि यह विवाह की सभा हमें इस बात को बताती है कि एक बंधन या एक सूत्र, एक समायोजन है जो स्त्री और पुरुष के बीच में होना है। No one can break the fusion. और आप देखिए उस सूत्र, उस मिश्रण को कोई भी अलग नहीं कर सकता। It's a fusion of two beings. और दो व्यक्तियों का यह मिश्रण है, मिलन है। Remember always. सदैव याद रखें। What Bible says. बाइबल में क्या लिखा है? When what God has joined together, no man shall split it. जो बात परमेश्वर ने जोड़ी है कोई भी मनुष्य उसे जुदा या अलग करने का प्रयास न करे। So it's a bonding, fusion, commitment and a covenant. तो फिर ये आपस में मिल जाना, एक सूत्र में बनना, एक मिश्रण में आ जाना और वाचा को मानना है। It's a covenant. यह एक वाचा है।
Commitment can be broken anytime. अब चाहे तो संधि जब चाहे आप तोड़ सकते हैं. This contract which is the government paper, they can sign it and they can break it. आप देख सकते हैं सरकारी दस्तावेज यहाँ रखे हैं. एक संधि दोनों के बीच में आधिकारिक रूप से होनी है. जब आप चाहे आप इसे तोड़ सकते हैं. But covenant can never be broken. लेकिन आप वाचा को नहीं तोड़ सकते. You are making a covenant sort of before God and before God's people and the pastors. और सौरभ आप परमेश्वर की हुजूरी में, पासवानों की हुजूरी में, जमायत की हुजूरी में यह वाचा बांध रहे हैं. And remember the Bible says woman is a gift from God. और याद रखें बाइबल लिखा है कि स्त्री ईश्वर के द्वारा दी गई एक वरदान है. Wine is a gift from God to you, सौरभ. और सौरभ आपके लिए आपकी पत्नी ईश्वर का दान है. The moment you ignore, neglect, disrespect another in dirty, you are telling God your gift is not good. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस घड़ी आप अनुग्रह का अपमान, तिरस्कार या किसी भी रीति से आप उनसे आप गलत करते हैं, आप परमेश्वर का अपमान करते हैं. My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. Let me read a few passages. मैं कुछ शास्त्र भागों को पढ़ना चाहूंगा. I know we don't have time. Usually there's a time in this program doesn't say what time I have to finish. और हमेशा समय होता है कब शुरू करना है कब समाप्त करना है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं दिया गया है. मुझे पता नहीं मैं संदेश कब समाप्त करूंगा. But I know one thing, 1 o'clock is the dinner. लेकिन मुझे एक बात पता है कि 1 बजे मध्यान्ह का भोजन लेना जरूरी है. तो मुझे लगता है कि 12:50 तक समाप्त करने का समय तो है ही मेरे पास. Don't worry, I don't take that much time. चिंता मत करें इतना समय मैं लूंगा नहीं. This caught my attention for the very first time from Book of Hebrews chapter 13. इब्रानी की पत्री 13 अध्याय मेरा ध्यान प्रथम बार जब मैंने पढ़ा आकर्षित हो गया. Always I thought on verse 4, first portion, I never see the second portion of verse 4. और चौथी आयत का पहला भाग हमेशा मैं पढ़ता था, लेकिन दूसरे भाग को मैं कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाता था. First portion we know by heart. और जो पहला भाग है हम सबको कंठस्थ है, हमें मुखाग्र है. Give honor to marriage. और आप विवाह को सभी बातों में सबसे ज्यादा आदर की बात समझो. Honorable in all. या तमाम बातों में विवाह सबसे ज्यादा आदर की बात है. But Bible says, लेकिन बाइबल में लिखा है and remain faithful to one another in marriage. विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे. दूसरे अनुवाद में लिखा है कि एक दूसरे के प्रति वैवाहिक संबंध में विश्वास योग्य बने रहो. I'm reading from the Bible only. और बाइबल से मैं पढ़ रहा हूँ. We have different translations. अलग अलग अनुवाद पाए जाते हैं. I like this one. मुझे ये वाला पसंद है. He's telling Saurabh and he's telling Anugrah to be faithful to each other. और सौरभ अनुग्रह एक दूसरे से ये वचन कह रहा है कि आप विश्वास योग्य बने रहें. Then he talks about the God will surely judge who are immoral. और फिर जो अनैतिक है निश्चित तौर पर परमेश्वर उनका न्याय करेगा. But verse 5 gives us the guideline for 2021. लेकिन देखिए पांचवी आयत में वर्ष 2021 के लिए कुछ नियम कायदे कानून है. Don't love money. और पैसों से लालच ना करो, पैसों का लोभ ना रखो. Be content with what you have. जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो. Yes. Marriage is Christ-centered. हाँ, आपका विवाह मसीह केंद्रित है. I believe that 100%. मैं 100% उस पर विश्वास करता हूँ. This scripture does not tell you should stay home and don't work and be lazy. इस वचन में यही लिखा है कि आप घर में रहें, कुछ ना करें और आरामदायक जीवन जिएं. Saying do not love money. इसमें लिखा है कि आप पैसों का लोभ ना रखें. Be satisfied, be content with what you have. जो आपके पास है आप उसमें संतोष करें. Many marriages are in trouble today. आज देखिए बहुत से वैवाहिक जीवन में संकट आ खड़ी हुई है. Because they are not satisfied with what they have. क्योंकि जो उनके पास है वे इससे संतुष्ट नहीं है. Listen to me, the real joy comes only by God and God alone. याद रखें असली जो आनंद है वो केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आता है. That's why I said Christ must be the center of your marriage. इसलिए मैं कहा कि मसीह आपके वैवाहिक जीवन का केंद्र होना चाहिए. He should be the center of your decision. वह आपके हर एक निर्णय का केंद्र होना चाहिए. Christ should be the center of your worship. वह आपकी आराधना का केंद्र होना चाहिए. Christ must be the center of your prayer. वह आपकी प्रार्थना का केंद्र होना चाहिए. Even when
your counseling each other. Christ must be the center of your counseling. यहाँ तक कि आप आपस में एक दूसरे को परामर्श दे रहे हैं, मसीह यीशु आपका केंद्र होना चाहिए. When Christ becomes the center of your marriage, और जब मसीह यीशु आपके वैवाहिक जीवन का केंद्र बन जाता है, और मैं आपको इस बात की सुपुर्दगी देना चाहूंगा, मेरे वैवाहिक जीवन में 47 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुके हैं. After a month, एक महीने के बाद, I will be celebrating my 48. और एक महीने के पश्चात मेरे वैवाहिक जीवन का 48वां वर्ष गांठ होगा. What we can say to you, मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, not only just from the word of God, ना केवल परमेश्वर के वचन से, not just from our experiences, ना केवल हमारे अनुभवों से, but we have seen marriages all over the world, लेकिन दुनिया भर में हमने विवाह को देखा है. Marriage which is centered on Christ will have all the blessings. और जो विवाह मसीह पर आधारित है, केंद्रित है, हर एक आशीष उस परिवार में आती है. The floodgates of heaven shall be open for you. स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे. When Christ become the center of your marriage, जब मसीह यीशु आपके वैवाहिक जीवन का केंद्र बन जाता है, ध्यान से आप मुझे सुनें. 12 pastors are here. 12 पासवान यहाँ पर बैठे हैं. We can come and join your hands. हम आकर के आपके हाथ आपस में जोड़ सकते हैं. But we cannot join your hearts. लेकिन आपके दिलों को हम नहीं जोड़ सकते. Heart is joined by God and God alone. आपका हृदय केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा जोड़ा जाएगा. To be number one in your life. इसमें चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्राथमिकता हो जाए. As you begin your journey after a few hours, और जब आप कुछ घंटे के बाद अपने वैवाहिक जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, sometimes you may remember your dad and mom. कई बार आपको अपने माता पिता का याद आएगा. Yes, you must remember. हाँ, आपको याद करना है. It does the Bible says, yeah, leave and clean. It does not mean you have to leave your dad and mom. और आपने लिखा है कि सबको त्याग कर आपस में जुड़े रहो. इसका मतलब ये नहीं कि अपने पालकों को आप त्याग दें. It means that you are setting up the new rule for new home. इसका मतलब ये कि एक नए घराने के लिए, नए परिवार के लिए नए नियम आप स्थापित करते हैं. I do counseling because I have a degree now in pastoral therapy. Listen to me. Marriage is not that easy as you think. पासवानी चिकित्सा में जबकि मेरे पास डिग्री है, हम कई जगहों पे जाकर पासवान परामर्श की सेवा करते हैं. वैवाहिक जीवन सरल नहीं है. We can act very spiritual before others. और दूसरों के सामने चाहे तो आत्मिक होने का रूप हम दिखा सकते हैं. But when no one is watching you, लेकिन जब कोई भी आपको नहीं देख रहा, only you both are talking, केवल आप दोनों ही बात कर रहे हैं. Christ is in that conversation. क्या मसीह आपके चर्चा में है? If not, यदि नहीं, think now before you take the first step of this married life. इससे पहले कि अपने वैवाहिक जीवन का पहला कदम आप उठाएं, इसके बारे में आप सोच लें. My dad has taught us when we were little. जब हम छोटे बच्चे ही थे, हमारे पिता ने हमें यह सिखाया. Almost 68 years ago. 68 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ. और अब मेरे उम्र के बारे में ना सोचिए, मैं अभी बहुत जवान हूँ. My dad used to tell us. मेरे पिता मुझसे कहा करते थे. Children. बच्चे. When you get up in the morning, जब आप सुबह उठे, first face you must see is the face of the Lord Jesus Christ. सबसे पहला चेहरा जो आप देखे वो प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए. ये आपकी इच्छा हो जाए, ये आपकी तमन्ना हो जाए, ये आपकी दिल की धड़कन हो जाए. I want to see Jesus in the morning. मैं सुबह यीशु को देखना चाहता हूँ. I want to see Jesus while we are going through the routine and the ruts of life. और जीवन के व्यस्ततम समय सारणी जब हम होकर जाते हैं, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ. When Christ becomes the center of your marriage, और जब मसीह यीशु आपके वैवाहिक जीवन का केंद्र बन जाता है, you will see protection, provision from God. आप परमेश्वर की ओर से सुरक्षा और प्रबंधन को देखते हैं. You will understand the privileges of marriage. और वैवाहिक जीवन के क्या क्या अच्छे अवसर आपके पास है आपको मालूम चलेंगे. He will never leave you. वो आपको कभी ना छोड़ेगा. Sometimes you think now, what we have to do for the next step. कई बार आपको ये लगेगा जीवन में कि अब आगे हम क्या करें. What should I do? अब मैं आगे क्या करूं? You don't have to worry about. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. God is with you. परमेश्वर आपके साथ है. He is with you. और वो आपके साथ रहेगा. He will take care of you. वो आपकी सुधी लेगा. And he will take care. वो आपकी सुधी लेगा. He will guide you. वो आपका मार्गदर्शन करेगा. When you don't know where to go. जब आपको पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है. When you don't know what to do. जब आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है. He will whisper in your ears. वो आपके कानों में फुसफुसाएगा. This is the way you should take. आपको ऐसे जाना है. Christ must be everything for you. मसीह आपके लिए सब कुछ होना चाहिए. Listen to me. ध्यान से सुन. The real
अनुग्रह यू विल नो आफ्टर द सेरेमनी। और वास्तविक अनुग्रह को यदि आपको जानना है शादी के बाद ही पता चलेगा। एंड अनुग्रह विल नो रियल सौरभ आफ्टर द मैरिज। और वास्तविक सौरभ को जानना है तो शादी के बाद ही पता चलेगा। दैट्स द टाइम रियल लिटमस टेस्ट फॉर यू एज़ अ क्रिश्चियन। और वही आपके लिए मसीह का एक वास्तविक जांच या परीक्षा आपके सामने होगा। यू मस्ट ब्रीथ आउट जीसस। आपके श्वास से जब आप ले तो उसमें से यीशु निकलना चाहिए। आई मस्ट डिस्प्ले द ग्लोरी ऑफ जीसस। आपकी आंखों से यीशु की महिमा प्रकट होनी चाहिए। यू मस्ट कैरी द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। पराक्रमी परमेश्वर की हुजूरी आप लेकर के चले। यू मस्ट हैव द पावर टू आपके पास इतना बल होना चाहिए कि दुष्टात्मा की ताकतों अंधकार की ताकतों का आप सामना कर पाएं। The greatest damage Satan is doing in today's society, आज के समाज में सबसे बड़ा नुकसान जो शैतान कर रहा है is attacking the family. वह परिवार पर आक्रमण कर रहा है। He knows, क्योंकि उसे मालूम है जब पारिवारिक जीवन मजबूत हो जाएगा कलीसिया भी मजबूत हो जाएगी। When church is strong, और जब कलीसिया मजबूत होगी city will be strong. नगर मजबूत हो जाएगा। When city is strong, जब नगर मजबूत होगा district will be strong. वहां का जो जिला है वो मजबूत हो जाएगा। When district is strong, जब जिला मजबूत हो जाएगा state will be strong. एक राज्य मजबूत हो जाएगा। When state is strong, जब एक राज्य मजबूत हो जाएगा nation will be strong. एक देश मजबूत हो जाएगा। That's why Satan is attacking family. इसलिए शैतान परिवार में आक्रमण कर रहा है। इंडियन कल्चर You study about Indian culture, they had everything in the beginning. भारतीय संस्कृति की आप बात करें तो विवाह के आरंभ में सब कुछ होता है। लेकिन आज young people of 21st century, 21वीं सदी के जवान लोग has no respect for their parents. उनके माता पिता के लिए उनके पास कोई भी सम्मान नहीं है। Listen very carefully. ध्यान पूर्वक आप मेरी बातों को सुनें. We must bring back the biblical principle of the marriage. हमें बाइबल आधारित विवाह के बुनियादों को वापस लेके आना। Yes, pastor will pray and lay hand on you for the blessing. हाँ, सारे पासवान मिलकर आशीष के लिए आपके सिर पर हाथ रखकर दुआ करेंगे। But I believe, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ। You honor and respect parents, blessing will come down from heaven and without any measure. जब आप माता पिता का आदर करेंगे स्वर्ग से ईश्वर की आशीषें बिना रुकावट के आपके जीवन में आएंगी। Like Dr. Stella and our children, they are in medical profession. और जैसे कि डॉक्टर स्टेला यहाँ पर है, हमारे बच्चे जो चिकित्सकीय क्षेत्र में कार्य करते हैं, Respect they have for us, I can't believe. और जो सम्मान उनका हमारे लिए है मैं विश्वास नहीं कर सकता। We respected our dad and mom till they died. और अपने माता पिता के अंतिम सांस तक हमने उनका आदर किया। Sometimes I may say, Mom, I have studied in America. और कई बार मैं चाहता था अपनी माता को बोल सकता था कि मैं अमेरिका में पढ़ाऊं। But I didn't have guts to say that thing. लेकिन मेरे पास ये हिम्मत नहीं थी कि ये बात मैं उन्हें बोलूं। My mom was only ninth grader. और मेरी माता केवल नवीं कक्षा पढ़ी थी। But she had the wisdom which most of people doesn't have. लेकिन उनके पास इतनी समझ और बुद्धि थी अधिकतर लोगों को आज नहीं है। After having three kids, she tells me, 7 o'clock you should be home. और तीन बच्चे जब हो गए उसके बाद वो हम मुझसे बोलती है कि 7 बजे आपको घर में आना ही है। And if I'm late by 3 minutes, अगर 3 मिनट में विलंब से आऊं, my mom will be standing at the door. तो मेरी माता दरवाजे में खड़ी रहती थी। We had a great respect. एक बहुत ही सम्मान हमारे अंदर That's था। That's why we are blessed. इसलिए हम आशीषित हैं। I think we are supernaturally blessed. हम अलौकिक रीति से आशीषित हैं। Saurabh, you are the head of the house. आप घर के मुखिया हैं। You set the tone. और आप नियम स्थापित करते हैं। Let me read one more passage. एक और शास्त्र भाग में पढ़ना चाहूंगा। I like to do the exposition on these passages. और इन आयतों पर मुझे व्याख्यान करना पसंद है। But I'm going to just leave it so you can hear. लेकिन मैं केवल पढ़ करके आपके मनन के लिए छोड़ना चाहूंगा। It's very simple. बहुत ही सरल है ये। In the same way. और उसी रीति से you wife must accept The authority of your husband. पत्नी अपने पति के अधिकार के अधीन रहे। Don't think you have MD, MBBS, MBA. You will not submit to the authority, not to the authority. आप ये ना सोचें कि आपके पास MD है, आपके पास MBBS है, आपके पास MBA है,
तो आप अपने पति के अधीन नहीं रहेंगे। It says, यहां लिखा है, if some refuse to obey the good news, यदि कोई सुसमाचार को सुनने से इनकार करता है, and your godly lives will speak to them without any words, और आपका ईश्वरीय जीवन बिना शब्दों के बाद भी उनसे बातें करेगा। Then it goes further, आगे लिखा है, you should clothe yourself instead with beauty that comes from within, और जो सुंदरता अंदर से आती है अपने आप को उससे सुसज्जित करो। Verse 5, पांचवी आयत, this is how the holy woman of God in the Old Testament made themselves beautiful. पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती थी। Now, yes, I have authority over अनुग्रह। अब सौरभ को ये लग रहा होगा कि अब अनुग्रह के ऊपर मेरा अधिकार आ गया है। Yes, I agree. हाँ, ठीक है, हम सहमत हैं। Then Bible says in the same way, आगे ऐसा लिखा है वचन में, you Saurabh must give honor to your wife. सौरभ आप अपनी पत्नी का आदर करें। Bible says that. बाइबल में लिखा है ये बात। If you start honoring your wife, यदि आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, she will have no problem to submit to your authority. तो आपके अधीन रहने में उनके सामने कोई समस्या ही नहीं होगी। Now this is my dad's statement. अब ये मेरे पिता का कथन है। कई शादियों में इस प्रकार कहा। Why Jesus took the rib from the side and made Eve? आखिर ईश्वर ने, परमेश्वर ने क्यों आदम की पसली निकाल करके हवा को बनाया? He said, if he would have taken from the head, यदि वो सिर से लिए होते, then man would be very heady. तो फिर तो पुरुष के लिए सिरदर्द हो जाता। And if he takes from the leg, यदि वो wife will be dormant. यदि वो पैर से लिया होता, तो स्त्री उनके लिए पावदान हो जाती। लेकिन मेरी बात आप सुनें। Bible says here, Bible में लिखा है, in Bible says, she may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. और हो सकता है वो तुमसे कमजोर हो, लेकिन ईश्वर के दिए हुए नए जीवन में वो तुम्हारी बराबर की साझेदार है। अनुग्रह is a gift from God to you. अनुग्रह आपके लिए ईश्वर का दान है। Always remember, when you get up in the morning, say thank you for the gift you have given to me. जब भी आप सुबह उठे, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद दें कि आपके दिए हुए दान के लिए प्रभु शुक्रिया। It's a gift from God. यह ईश्वर का दान है। And you will see, you will have blessed time sharing, learning, eating together. और आप देखें क्या ही धन्य समय आपका साथ में मिलने, बैठने, खाने, घूमने, एक अच्छा समय आपका रहेगा। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर। I can stay on these scriptures we have here. यदि चाहे तो इन आयतों में हम बहुत देर तक रुक सकते हैं। Bible starts with marriage. बाइबल की शुरुआत विवाह के द्वारा होती है। And Bible ends with marriage in Book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य में विवाह के द्वारा ही बाइबल का अंत भी होता है। We see bad marriages. हम बुरे या एक बहुत ही गलत नमूने वाले विवाह को भी देखते हैं बाइबल में ही। We see average marriage. और औसतन वैवाहिक जीवन को भी बाइबल में देखते हैं। We see mediocre marriage. और बहुत ही सामान्य विवाह को भी हम देखते We हैं see good marriage. एक अच्छे विवाह को भी हम देखते And हैं we see the greatest marriage. और एक महानतम वैवाहिक जीवन को भी How हम बाइबल में देखते हैं। greatest marriage? एक महानतम या एक सिद्ध वैवाहिक जीवन आप कैसे पा सकते हैं? और अब समापन के हम निकट आ रहे हैं। Greatest marriage will be there when you have Christ in the marriage. और जब मसीह आपके वैवाहिक जीवन में आ जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन महान हो जाएगा। When you have pillars of integrity, truth, loyalty, love, and prayer, your marriage will be the greatest marriage. आपके वैवाहिक जीवन में जब खराई, ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्यता, प्रेम, परवाह, ये सारी बातें आएंगी, आपका वैवाहिक जीवन संपन्न हो जाएगा। Both come from different culture. दोनों ही अलग अलग संस्कृति से आते हैं। सौरभ जी सीधे हाथ से ताली बजाते हैं, अनुग्रह उल्टे हाथ से ताली बजाते हैं। Both are different. दोनों अलग है। My wife likes मेथी की भाजी, I don't like मेथी की भाजी।
मेरी पत्नी को मेथी की भाजी पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। I don't eat. But there's no fight in my home. लेकिन हमारे घर में लड़ाई नहीं होता। If you like मेथी भाजी, मैं 2 किलो लेके आया, बस खाओ अच्छे तरह खाओ। It's a fighting for small little things. छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने के बजाय You are representing Christ in the world. आप अपने घर में या संसार में मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। You are reflecting Christ and His glory. और आप मसीह और उसकी महिमा को व्यक्त करते हैं। You must trust अनुग्रह completely. आपको पूर्णतः अनुग्रह पर भरोसा रखना है। And अनुग्रह you must trust Him completely. अनुग्रह आपको पूर्णतः सौरभ पर भरोसा रखना है। It's a lifelong commitment. यह जीवन पर्यंत बने रहने वाला निर्णय है, समर्पण है। एक सच्ची घटना आपको बताना चाहूंगा। These couples were married for more than 50 years. और इन दोनों जोड़ों को वैवाहिक जीवन में 50 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके थे। And the wife got very sick and serious. और एक दिन पत्नी बहुत बीमार हो गई, बहुत कमजोर हो गई। Actually, she got Alzheimer. उन्हें अल्जाइमर हो गया। She could not even recognize her husband. और आप अपने पति को वो पहचान भी नहीं पाती। She cannot talk. वो उनसे बात नहीं कर पाती। And this old man was sitting next to her bed. और यह उनका जो बुजुर्ग पति है उनके बिछौने के निकट बैठा हुआ था। Someone asked, "How long have you sat here?" तो किसी ने उनसे पूछा, आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे? उसने कहा, जब तक वह अंतिम सांस न ले ले मैं यही बैठा रहूंगा। यही जीवन के लिए समर्पण है। She cannot talk back to him. अब वो उनसे बात भी नहीं कर सकती। She does not understand. वो उन्हें समझ नहीं सकती। Nothing. कुछ भी नहीं। This happened to Dr. Merrill. यह डॉक्टर मेरिल के साथ हुआ, जो कई वर्षों से इटारसी के अधिवेशन में आ रहे हैं। उनकी पत्नी उन्हें पहचान भी नहीं पाई। उनके अंतिम सांस तक मैं उनके पास बैठा रहूंगा। That kind of marriage I like. इस प्रकार का वैवाहिक जीवन मुझे पसंद है। That kind of marriage God likes. इस प्रकार का वैवाहिक जीवन परमेश्वर को पसंद है। Everyone can. Groom or bride when they are healthy. और जब दुल्हा या दुल्हन, पति या पत्नी स्वस्थ होते हैं, सबको अच्छा लगता है। One of the partner is sick. और जब एक जीवन साथी कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, तब क्या? Your love is not situational. आपका प्रेम परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। Your love is not conditional. आपका प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। सौरभ अनुग्रह, this is my prayer. सौरभ अनुग्रह, यह हमारी प्रार्थना है आपके। That your love will be sacrificial love. कि आपका प्रेम अपने आप में बलिदान देने वाला प्रेम। No string attached to that love. और उसमें कोई भी शर्तें ना रहे। I know अनुग्रह will say, yes, my mom makes the best pickle and best chapati and best parathe and all. And your mom doesn't know never to say those words after half hour. और हो सकता है अनुग्रह इस बात को बोले कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है, सब्जी बनाती है, पराठे बनाती है, लेकिन याद रखें, इस विवाह के इस घंटे के पश्चात ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। And Saurabh, never to compare your mom with Anugrah's mom. और सौरभ, आप कभी भी अपनी माँ की तुलना सौरभ की माँ से ना करें। Never. कभी ना करें। Appreciate your wife. अपनी पत्नी की सराहना करें। No, we do. We are married. Sometime, अभी तो मैं छोड़ दिया हूँ। In the beginning, when she made the chapati one time, my wife. और शुरुआती दिनों में जब मेरी पत्नी ने चपाती बनाई, एक बार की बात है। I don't want to hurt her feeling. मैं उन्हें खेदित नहीं करना चाहता था। Glad you are in Madhya Pradesh. मुझे लगा अच्छा हुआ आप मध्य प्रदेश में हैं। Because her chapati look like Madhya Pradesh man. क्योंकि वो जो चपाती है, रोटी पूरे मध्य प्रदेश के समान, नक्शे के समान ही दिख रही थी। I made a good laughing comment. और काफी हंसते हुए मैंने उन्हें कहा, we have to do. हमें ऐसा करना है। When people see it, they think we are newly married. और लोग हमें जब देखते कहते हाल में हमारा विवाह हुआ है। Saurabh, when you come to my age, सौरभ जब तुम मेरे उम्र में आओगे, I want to see the same smile like you have now. और जैसा अभी आप हंस रहे हैं ना, ऐसे ही हंसते रहना। I'm 73. मेरे को 73 वर्ष हो चुके। Listen to me. ध्यान से सुने। Enjoy your life. अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाएं। And enjoy your life. अपने जीवन का आनंद उठाएं। Money is not everything. पैसा सब कुछ नहीं है। Yes, we need money. हाँ, पैसे की आवश्यकता money होती है, everything. लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। Enjoy the gift. Of God, which God has given to you. और जो दान परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसका भी आनंद उठाएं। May God bless you with these words. और इन शब्दों के द्वारा होने पाए कि परमेश्वर आपको आशीष दे। He is your rock.
वही आपकी चट्टान है, वही आपको संभालने वाला है, वही आपकी ऊंची मीनार है, वही आपका चरवाहा है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको नहीं त्यागेगा, वो कभी आपको नहीं त्यागेगा। जब कुछ मिनटों के बाद आप अपनी यात्रा शुरू करते थे, उसके वचन आपके दिलों में आएंगे और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें थामे हूँ, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें थामे हूँ। आप चिंता क्यों करते हैं? उसने कहा, आप यहाँ वहाँ मत देखिए, मैं तुम्हारा स्रोत हूँ। Father of everything. वह हर एक बातों के ऊपर पिता है। He is a creator. वह सृजनहारा है। And he is a creator. वह सृजनहारा ही। He created you. उसने आपको रचा है। He redeemed you. उसने आपको छुड़ाया है। He says, you are mine. और वो कहता है कि तुम मेरे हो। When you go to the water. जब तुम जल में से होकर जाओ। When you go to the river. जब तुम पानी में से होकर जाओ। When you go to the fire. जब तुम आग में से होकर जाओ। I am with you. मैं तुम्हारे साथ। In your life, आपके जीवन में you will have challenges. आपकी चुनौती आएंगी। It's not a prophecy. यह भविष्यवाणी नहीं है। It's just a life routine. ये तो जीवन है, होना ही है। You will have problems. समस्या आएंगी। अनुग्रह, you will have challenge from 6 p.m. today. और अनुग्रह ठीक शाम 6 बजे के बाद समस्या शुरू हो जाएगी। It will be there. होगा। But do not worry. लेकिन चिंता ना करें। Bible says 3 times. बाइबल में 3 बार लिखा है। Do not worry. भयभीत ना हो। Do not worry. भयभीत ना हो। I'm with you. मैं तुम्हारे साथ। The one who instituted the marriage, जिसने विवाह की स्थापना की है, the one who designed the marriage, जिसने विवाह की संरचना the की one है, who ordained the marriage, जिसने विवाह की नियुक्ति की है, I'm with you. वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। I'm with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Friends will leave you. मित्र आपको छोड़ देंगे। But he will never leave you. लेकिन वह कभी नहीं छोड़ेगा।